हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि डी ब्रोगली साहब ने कहा कि आप मैटर पार्टिकल्स के साथ एक वेव एसोसिएट कर सकते हो। तो हमारे सामने समस्या रही हुई कि जो हम वेव एसोसिएट करेंगे वो वेव सिंगल वेव होगी या वेव पैकेट होगा, ग्रुप ऑफ वेव्स होगी। अब सिंगल वेव के लिए हमने लास्ट लेक्चर में पूरी की पूरी कैलकुलेशन की है कि अगर आप मैटर पार्टिकल के साथ सिंगल वेव एसोसिएट करते हो तो जो उसकी फेज वेलोसिटी, जो कला वेग मिलता है आपको, वो क्या मिलता है, ग्रेटर देन सी, मतलब प्रकाश की चाल से अधिक मिलता है। और वो रिजल्ट कैसा है आपके, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर वो रिजल्ट फॉलो होता है तो आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत फेल हो गया। पार्टिकल तो यहीं रह गया और तरंग कहां चली गई, कहीं दूर चली गई। अध्ययन किसका करें। तो बात आई कि जो हम वेव एसोसिएट कर रहे हैं वो वेव अब सिंगल वेव नहीं होकर वेव पैकेट होगा, तरंगों का समूह होगा। और अगर तरंगों का समूह है तो उसके लिए जो वेलोसिटी की बात होगी वो वेलोसिटी कैसी होगी, समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन से आप जानते हैं क्या होती है आपके, vg इज इक्वल्स टू de अपॉन dp। होती है नहीं होती है, याद कीजिए। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, क्या होता था आपके समूह वेग, vg इज इक्वल्स टू d ओमेगा अपॉन dk, यही होता है। और ओमेगा क्या होता है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू ई एच क्रॉस एंड के इज इक्वल्स टू पी एच क्रॉस, ठीक है। अगर हम इन दोनों रिजल्ट को अप्लाई करें तो आपके पास ये मिल रहा है। अब देखिए कि हम पार्टिकल को कैसा मानकर चल रहे हैं, वेव पैकेट, तरंगों का समूह। और तरंग कभी रुकती नहीं है, जो आपकी वेव है वो कभी रुकती नहीं है। तो तरंग के पास जितनी भी एनर्जी होगी, एक वेव पैकेट के पास जितनी भी ऊर्जा होगी, वो पूरी की पूरी किस फॉर्म में होगी, आपके गतिज ऊर्जा की फॉर्म में। तो ये जो आपके पास जो एनर्जी है वो क्या होगी, आपके टोटल गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा से आप जानते हैं, चूंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, गतिज ऊर्जा क्या होगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल। ये वैल्यू हम यहां पुट करें तो यहां से आपको क्या मिलेगा, vg इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2m d अपॉन dp पी स्क्वायर, ओके। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा आपको, vg इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 2m, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ क्या मिला आपको, vg इज इक्वल्स टू p अपॉन m। और क्योंकि p बराबर क्या होता है, mv होता है, तो p अपॉन m कितना होगा आपके पास, v के इक्वल होगा, vg इज इक्वल्स टू v। देखिए इस रिजल्ट को, कि जब आप मैटर पार्टिकल के साथ तरंग समूह वेव पैकेट एसोसिएट कर रहे हैं और उस वेव पैकेट की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल आ रही है। मतलब जहां जहां पार्टिकल चलेगा वहीं वहीं आपको क्या मिलेगा, वेव पैकेट मिलेगा। और यही तो हम चाहते थे। लास्ट जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या आया था, कि पार्टिकल तो यहीं रह जाएगा और वेव कहां निकल जाएगी, बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन यहां कैलकुलेशन क्या कह रही है, कि जो आप तरंग समूह यहां पर एसोसिएट कर रहे हो उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल आ रही है। हो गई दिक्कत खत्म। ये जो रिजल्ट है वो एडमिसिबल है, मान्य है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडरेबल है। तो साफ साफ प्रूव हो रहा है कि जो पार्टिकल के साथ आप जो वेव एसोसिएट कर रहे हो वो वेव सिंगल वेव नहीं होकर क्या होगी,
वेव पैकेट होगा और उस वेव पैकेट को, उस तरंग समूह को हम एक तरंग फलन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और उस तरंग फलन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? आपके साई से, साई बोलते हैं इसको, ठीक है, साई से, कि जो तरंग समूह होगा हम उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? साई से। अब देखिए कि हमने ये तो प्रूव कर लिया कि जो वेव पैकेट आप ले रहे हो उसको साई से प्रदर्शित कर रहे हैं, साथ में वो मान्य है, आपके ऊपर खरा उतर रहा है। लेकिन दो कंडीशन कंपलसरी है वेव पैकेट के लिए भी, या कंपलसरी क्या है, वो उस वो प्रॉपर्टीज उस वेव पैकेट में होंगी होंगी। एक तो उस वेव पैकेट की, उस तरंग समूह की वेलोसिटी कितनी होगी? पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर। और दूसरा, मैंने आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया, तो वहां कहा है कि वो पूरी क्वांटम में फॉलो होगा। तो दूसरा कि वो जो तरंग समूह होगा वो अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन भी करेगा। ओके, ये डिस्कशन ओवर हो गया, लेकिन अब एक छोटी सी दिक्कत कि जो वेव पैकेट, जो तरंग फलन साई आप पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर रहे हो, संबंध कर रहे हो, वो तरंग फलन कैसा होना चाहिए उसके बारे में तो अभी कुछ आइडिया है ही नहीं। क्या कुछ भी उठा के ले सकते हैं? मर्जी पड़े जो वेव फंक्शन ले लेंगे क्या हम? अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर ऐसा है कि वो तरंग फलन में कुछ विशेष गुण, विशेष स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होना कंपलसरी है? बिल्कुल है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जो तरंग फलन आपने लिया है वो कोई भी हो, वो तरंग फलन ऐसा होना चाहिए जो तीन प्रॉपर्टीज फॉलो करता ही करता हो। कौन कौन सी? फर्स्ट आपके सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड मतलब एकल मानी। तरंग फलन कैसा होगा आपके? एकल मानी होना चाहिए। सेकेंड, शुड बी कंटिन्यूअस, सतत होना चाहिए। एंड नेक्स्ट कंडीशन, शुड बी फाइनाइट, परिमित होना चाहिए। जो तरंग फलन आप मैटर पार्टिकल के साथ, जो वेव फंक्शन आप मैटर पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, दैट शुड बी सिंगल वैल्यूड, शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी फाइनाइट, वो एकल मानी, कोमा, सतत तथा परिमित होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? अगर नहीं हो तो क्या होगा? अगर नहीं हो तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि आपने संबंध क्या किया, तरंग समूह, वेव पैकेट। वेव पैकेट कहां पड़ा आपने? सबसे पहले इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के अंदर, कि दो वेव्स आती हैं, सुपर इंपोज होती हैं, उनके बीच में अध्यारोपण होता है और एक परिणामी तरंग बनती है जिसको बोलते हैं वेव पैकेट, तरंग समूह। और वो परिणामी तरंग बताती क्या है वहां पे? अध्यारोपण का सिद्धांत आपको क्या देता है? प्रोबेबिलिटी देता है, प्रायिकता देता है, किसकी? एनर्जी के पाए जाने की। तो जो वेव पैकेट है वो आपको क्या शो करता है? प्रोबेबिलिटी शो करता है। यहां जो वेव पैकेट लोगे वो क्या शो करेगा? प्रोबेबिलिटी शो करेगा पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता। अब प्रायिकता तो एक टाइम पे एक ही हो सकती है, प्रोबेबिलिटी जो होगी सिंगल टाइम पे सिंगल होगी। अगर सपोज करो सिंगल वैल्यूड नहीं हो, एक बिंदु पर, सिंगल वैल्यूड होने का मतलब होता है एकल मानी, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का एक ही मान मिले। अगर एक से दो मान मिल गए तो फिर वो सिंगल वैल्यूड कहां रहा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्राफ बना के बताऊं, अगर आपको इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है तो किसी एक पॉइंट पे आपको वेव फंक्शन के दो मान मिल रहे, मतलब एक ही बिंदु पर दो प्रायिकता, अलग अलग पॉसिबल ही नहीं है भाई।
अगर पार्टिकल एक बिंदु पे है तो उसके वहां पाए जाने की प्रायिकता भी कैसी होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड, सिंगल होनी चाहिए। इसलिए जो आप वेव फंक्शन एसोसिएट कर रहे हो दैट वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। ओके, सेकंड बात करते हैं कंटिन्यूअस, सतत होना चाहिए। सतत मतलब आपने कोई ग्राफ लिया इस तरीके से, ऐसा नहीं हो कि बीच में कट जाए, कि बीच में से यहां से ग्राफ क्या है कटा हुआ है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ट्वेल्थ क्लास में हम वहां भी कहते हैं कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा सडनली ब्रेक नहीं हो सकती, एकाएक नहीं टूट सकती, क्योंकि अगर वो सडनली ब्रेक हो गई तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया एकदम से, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, धीरे धीरे करके जीरो होगा। तो जो पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम से तो जीरो नहीं हो सकती, वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होते 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 कहां जाके एग्जैक्टली जीरो होगी हम नहीं कह सकते। तो पार्टिकल सॉरी वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए आपके, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनाइट की, कि वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, परिमित होना चाहिए। परिमित मतलब इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, अनंत की बात नहीं होगी। अगर अनंत पे आप वेव फंक्शन की वैल्यू देखो तो इंफिनिटी पे साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए इंफिनिटी पे, जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको शुरू से बताता हुआ हूं अनंत, अनंत की डेफिनेशन क्या है, क्या लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में 9th क्लास में 8th क्लास में, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी की तो कोई परिभाषा ही नहीं है भाई, इंफिनिटी कहां आएगा हमें पता नहीं है। हमारे दिमाग में क्या आता है, इंफिनिटी मतलब वहां बहुत दूर। अरे भाई कितनी भी दूर हो, पर अगर आपको पता चल गया कि इस पॉइंट पे इंफिनिटी आ गया तो फिर वो अनंत कहां रहा। तो हमें एग्जैक्टली यही नहीं पता है कि इंफिनिटी कहां जाके आएगा। जब हमें यही नहीं पता है कि इंफिनिटी कहां आएगा तो वहां पर आप वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। तो इंफिनिटी पे अनंत पे वेव फंक्शन कितना होना चाहिए, साई कितना होना चाहिए, जीरो। इसलिए हमने लिखा है साई शुड बी फाइनाइट, इंफिनिटी पे बात नहीं होगी। जब तक ये तीन कंडीशन फॉलो नहीं होंगी तब तक आप कोई वेव फंक्शन पार्टिकल के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। और जो वेव फंक्शन आपने पार्टिकल के साथ एसोसिएट किया है उसको ये तीनों कंडीशन फॉलो करना कंपलसरी है। इनमें से एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही है तो आपने जो वेव फंक्शन है जो एसोसिएट किया है वो गलत है, वो आपको कैलकुलेशन के बाद सही रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो वेव फंक्शन, जो वेव पैकेट आप पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं दैट शुड बी सिंगल वैल्यूड, शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी फाइनाइट। वो एकलमानी, सतत तथा परिमित होना चाहिए, तभी आगे बात होगी। तो अब हम जो भी वेव फंक्शन एसोसिएट करेंगे पार्टिकल के साथ वो ये कंसीडर करते हुए करेंगे कि वो इन सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो। आप सीधे सीधे अगर उसमें इंफिनिटी वैल्यू पुट कर दो वेरिएबल की तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए आपके पास, जीरो हो जानी चाहिए। वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, आप उस पर लिमिट कंटिन्यूटी लगा के भी देख सकते हो। और आप उसका अगर ग्राफ प्लॉट करो तो उसका ग्राफ इस तरीके का आए कि ईच पॉइंट शुड बी सिंगल वैल्यूड। अगर x वेरिएबल है आपका तो x के एक मान के लिए फंक्शन का केवल एक ही मान मिल रहा हो। ओके, ये बहुत बड़ी चीजें हैं क्वांटम की, बहुत माइनर चीजें हैं बेसिक की जो आपको आनी चाहिए ऑल टाइम। आप इन कंसेप्ट्स को अपने अंदर उतार लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि जब ये चीजें क्लियर होंगी तो जब हम आगे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आएंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हमें सारे फंडे क्लियर रहेंगे, हमें पता रहेगा कि कौन सा वेव फंक्शन एडमिसिबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आगे की बात श्रोडिंगर मैकेनिक्स में जो आगे जो बातें हैं उनको हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक आप पढ़ते रहिए। मैं आपसे फिर कहूंगा, आप बुक्स फॉलो किया कीजिए। बुक्स में बहुत कुछ होता है। अलग अलग राइटर की बुक्स पढ़िए, बुक्स जरूर पढ़िए। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको एक तो चीजों को समझने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक ही टॉपिक के लिए अगर हम चार बुक फॉलो करेंगे तो हमें चारों बुक में कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा एक दूसरे की बुक से। तो आपको उसी टॉपिक के बारे में नॉलेज बढ़ रही है आपकी, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और बुक्स फॉलो करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।